देखिए टुडे वी हैव टू डू मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. यही करना था. मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. देखिए जितने भी मेथड अभी हम डिस्कस करेंगे इन सारे मेथड्स में हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे. क्या निकालेंगे? तो सबसे पहला आता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड. वेरिएबल सेपरेबल मेथड में डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं? ऐसे डायरेक्टली की डिफरेंशियल इक्वेशन डीवाई बाय डी एक्स एफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई. देखिए आपको ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेट करना है कि dy के साथ तो y का फंक्शन आ जाए और dx के साथ x का फंक्शन. जैसे आप ऐसे वेरिएबल सेपरेट कर लिए dy by g of y and fx into d of x. अब इंटीग्रेट कर दीजिएगा दोनों तरफ. क्या कर देंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेट. कितनी बात क्लियर है? अब यहां दो तीन तरह के बच्चे के इश्यूज होते हैं रिगार्डिंग कांस्टेंट और उसका जो सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉपरली निकलता नहीं. एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशंस दे रहा हूं और वो इलस्ट्रेशंस आप जरा ध्यान से समझिएगा. इलस्ट्रेशन नंबर वन, नंबर वन, मान लो उनसे कह दिया जाए कि सोल्व दिस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो. इसको सोल्व करना है. देखिए कैन आई राइट दिस एज dy by dx is equal to minus y. ठीक है जी यहां तक. कैन आई राइट दिस एज dy by y is equal to minus dx. वेरिएबल हो गए सेपरेट. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. अब यहां बच्चा कहता है कि सर इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगाइए तो कांस्टेंट भी तो दोनों तरफ ऐड करोगे. कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? वन. तो इसके जनरल सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट आने चाहिए? वन. तो चलो मान लो मैं ये कर भी देता हूं बच्चे के कहने पर. मैंने लिख दिया log y प्लस सी वन, यहां लिख दिया माइनस एक्स प्लस सी टू. लेकिन इधर में जब डिफरेंस लूंगा तो डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट इज अगेन कांस्टेंट. अगर इस स्टेप से अगर आप सोल्व करते हैं तो log y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी टू माइनस सी वन. इसको मैंने लिख दिया log y माइनस एक्स प्लस सी. यहां दो इश्यू आते हैं. एक तो मैं बताता हूं सोल्व करने का तरीका. अगर जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन के बाद अगर कोई एक भी लॉग आ रहा है तो कांस्टेंट को लॉग सी ले सकते हैं, क्योंकि जब सी कांस्टेंट है तो लॉग सी भी कांस्टेंट है. या बगैर उसके भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी. मैं दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा दोनों तरीके से क्या होगा. देखिए मुझे नया पेज स्टार्ट करना पड़ेगा एक्चुअली बीच में. यहां से देखिएगा, देखिए आई वॉज कंसिडरिंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन डिवाइड बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो और मैंने यहां पे इसको ऐसे लिख दिया था डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई एंड डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स. और मैंने यही बताया था कि जी दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया था और हमने कहा था कि भाई आप चाहो तो दोनों तरफ कॉन्स्टेंट ले सकते हो. तो वो इशू तो आपको समझ में आ गया. यहां मैंने इसको लिख दिया माइनस एक्स. एक तो तरीका है मैं सीधा सीधा इसको लॉग सी लिख दूं. लिख दिया लॉग सी मैंने कॉन्स्टेंट को. बात समझ में आ रही है? इस लॉग सी को इधर ले आओगे तो लॉग वाई माइनस लॉग सी इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा. लॉग की प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा? ये लॉग वाई बाय इज इक्वल टू
माइनस एक्स, दिस विल इंप्लाई y बाय c किसके बराबर आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स, तो y किसके बराबर आ गया, c इंटू e की पावर माइनस एक्स। सो विल यू एबल टू डू दिस, या बगैर इसके भी कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं। अगर मान लीजिए ये स्टेप था, मैं यहां स्टार बना रहा हूं, और स्टार का मतलब मैं अगली वाली शीट में भी लिख रहा हूं, हमारा स्टार ये था बेसिकली डी वाई बाई वाई माइनस डी एक्स, यही था ना स्टार। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, मैंने ऐसा लिख दिया लॉग वाई, और बच्चा कहता है कि सर जरूरी है, मैं तो नहीं ले रहा, चलो मतलब यहां से मैं सीधा ये लिख सकता हूं y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स प्लस सी, लिख दिया। वो ऐसे भी लिख सकता है y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर सी, लिख सकता है। अब बच्चा चाहे तो वो ऐसा भी कर सकता है कि जी k टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स, तो k किसके बराबर है, e की पावर सी। जरा देखिए ये और ये दोनों जो सॉल्यूशन ऊपर नीचे निकालेगा, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, मैं पहले वेरिएबल सेपरेबल की थ्योरी नोट करी है आप लोगों ने या नहीं की? आई थिंक इट वॉज पेज नंबर कौन सा था, याद है कुछ? हाँ ये रहा, ये एक बार नोट कर लीजिए। लोग मुझे लग रहा है कि ये वाला थोड़ा तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, क्या है ब्लैक ले लो, ले यार तो कह रहा तो ब्लैक ले लूंगा मैं तो, खुश हूं ब्लैक में टिप बड़ी पतली आ रही है यार, मोटी कैसे करूं टिप, तो साइज इसमें करना पड़ता है क्या? अब ठीक है, रेड मजा नहीं आ रहा है। अब आज इसके क्वेश्चन करवाऊंगा वेरिएबल सेपरेबल के, एक एनसीईआरटी बुक तो मुझे यार सप्लाई कर दो इधर, सो दैट कुछ क्वेश्चंस में साथ साथ डिस्कस करते हैं। आपको अनकंफर्टेबल तो नहीं लग रहा मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, आपसे पहले ये चीज जानना चाह रहा हूँ, प्लीज फील फ्री। हाँ भाई नहीं मैं वैसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर देखो क्योंकि मैंने ये सिस्टम लिया कहीं कहीं कहे गए कि सर के नहीं जबरदस्ती इस पर पढ़ा रहे होते हैं, अगर कहोगे तो मैं तो यार उस पर पढ़ा दूंगा भाई, सिर्फ मैंने सिस्टम सिर्फ आपको फैसिलिटेट करने के लिए लेके आया हूँ कि सिर्फ कि जो भी क्लास में यहाँ लूँ रिकॉर्ड हो जाए और आप उसके बाद एटलीस्ट हमें देखने के लिए ऑप्शंस मिले, ठीक है ना। अच्छा दूसरा पेज भी निकाल देते हैं, कौन सा था दूसरा पेज भाई? देखिएगा बेटा, लेट अस डू फ्यू क्वेश्चन सो दैट आपको क्वेश्चन समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। आगे बढ़े क्या भाई? चलो थोड़ा थोड़ा करके यही मैं लिखूंगा, सो दैट आप नोट भी करते रहेंगे साथ साथ और समझते भी रहेंगे। मुझे वेक्टर 3D जो है ना वो पढ़ाना पड़ेगा बुक बोर्ड पे, क्योंकि उसमें एक्टिविटीज बहुत सारी हो जाती हैं, उसके लिए रिकॉर्डिंग मुझे मैं सोच रहा हूँ कि वैसे करवाएंगे रिकॉर्डिंग। क्या ठीक है
Shall we start? Let us understand the next problem. देखिएगा ऐसे आएगा, ये एग्जाम्पल 10 है, एग्जाम्पल 10 पेज नंबर 393। ऐसे आएगा सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डीवाई बाय डी एक्स देखिएगा डीओ बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 + y² / 1 + x² इसको सोल्व करना है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, तो वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, dy अपॉन 1 + y² और dx अपॉन 1 + x². क्या वेरिएबल सेपरेट हो गए? क्या करें, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, समझ में आया? ये था एग्जांपल 10। अब यहीं पे इसी सेम पेज पे है एग्जाम्पल 11, वो भी देख लीजिए। वो क्या है, कहता है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू -4x² y, given that y is 1 when x is equal to 0। इसको सोल्व करना। देखिए इस केस में भी कैसे करेंगे, क्या हम इसका पहले वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं? कर लें, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी कैन राइट दिस एज, बल्कि ये इक्वेशन भी हमने चेंज करनी पड़ेगी। देखिएगा मैंने उल्टी लिख दिया, इट इज -4xy² ये। लेट अस सेपरेट द वेरिएबल। देखिए सॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे dy बाय y² लिख दिया -4x dx। क्या आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे भाई, कितना आएगा इंटीग्रेट करके, -1/y -4x² / 2 प्लस सी, तो -1/y। अब देखिए कंडीशन जो रखी क्वेश्चन में, y इज 1 व्हेन x इक्वल टू 0, इस कंडीशन के बेसिस पे किसकी वैल्यू निकलेगी, c की। तो पुट करो, ये आ जाएगा -1 इज इक्वल टू, x की जगह 0 डालेंगे तो 0 प्लस c, तो दिस विल इंप्लाई c इज इक्वल टू -1। अगर यहां से अगर आप c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं
तो दिस विल इंप्लाई हमारे पास सॉल्यूशन आया माइनस वन बाय वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन. सो वन कैन राइट दिस एज वन बाय वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन. दिस विल इंप्लाई योर वाई इज वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन. दैट इज द सॉल्यूशन. आई होप समझ में आया होगा सबको. अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ये पूरा नोट कर सकते हैं. क्लियर है सबको ये? देखिए इसमें मैं एक क्वेश्चन और लिखूंगा एग्जांपल 12. कई बार उसको घुमा के पूछ लेते हैं. ये भी पेज नंबर 393 पे ही है एनसीईआरटी के. आगे बढ़ो. ओके वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये एग्जांपल 12 है. कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज x dy is equal to 2x square plus 1 dx and x is not equal to 0. x is not equal. देखिए एक बात है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट करता है? कर्व को. तो इस देखिए इस क्वेश्चन से घबराना नहीं है. इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? पहले वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए. हम क्या कर लेंगे इसको dy, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसका, is equal to 2x square plus 1 by x. ऐसे लिख सकता हूँ भाई. Now integrating both side. ठीक है जी. अब जरा notice करिएगा, अगर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि integrating both side, तो इसको आप कैसे करेंगे? अलग-अलग कर लें. ये dy लिख दिया, इसको आप अलग अलग करेंगे तो कितना आएगा 2x dx प्लस 1 बाई x dx. इज दैट ओके? नाउ लेट अस इंटीग्रेट इट. कैन आई राइट दिस एज y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस log x प्लस c ले दिया. अब एक बात आई है, ये कर्व किससे पास कर रहा है? इट पासिंग थ्रू वन कोमा वन. तो यहाँ वन या वन का स्क्वायर, यहाँ लॉग वन प्लस सी. लॉग वन कितना होता है? जीरो. तो दिस विल इंप्लाई सी की वैल्यू जीरो. ये तो इधर से कट ही जाएगा, तो सी जीरो आ गया. तो दिस विल इंप्लाई फाइनली आपका जो सॉल्यूशन आ गया वो क्या आ गया? वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स. दैट इज द सॉल्यूशन. आई होप क्लियर है वाला फंडा. एनी प्रॉब्लम? अब नोट कर सकते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन. मैं आप कुछ एक्सरसाइज के अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम पे. कॉन्सेप्ट क्लियर है वेरिएबल सेपरेबल का? देखिए अगला इसमें मैं थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक दो मैं डिस्कस कर लेता हूं, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि कैसे डील करना है. Noted. What about the blue color? चलो थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है ना? आइस को एक कलर की आदत भी अच्छी नहीं है ना? नहीं तो पता पड़ा आप एक कलर की तरफ ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं. ठीक है, क्या है?
देखिएगा नेक्स्ट वी हैव प्लीज बातें नहीं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है कहता है सोल्व दिस 9.4 y log y क्वेश्चन नंबर 7 x dx माइनस x dy कहता है सोल्व दिस ऐसे आएगा लिखा हुआ तो कैसे सोल्व करोगे भाई पहले कोशिश करिए वेरिएबल सेपरेट करने की कैन वी राइट दिस एज y log y dx इज इक्वल टू x dy ठीक है जी dx by x और dy by y log y आ गया हो गया सेपरेट वेरिएबल तो अब हम क्या करेंगे भाई यहां पर इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया इस वाले राइट हैंड साइड वाले इंटीग्रेशन में मैंने log y को z ले लिया तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 by y dy is equal to dz तो मेरे पास आ गया ये dx by x और इधर आ गया dz by z this will imply log x is equal to log z तो अब मेरी कांस्टेंट भी क्या ले लेना चाहिए log c बताया था ना मैंने एक भी log आए तो कांस्टेंट भी क्या ले लोगे तो this will imply can I write this as further log x is equal to log z c ठीक है अब कैन आई राइट दिस एज एक्स इज इक्वल टू जेड इन टू सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड भाई लॉग वाई और इन टू सी ऐसे भी छोड़ सकते हो क्लियर है जी सॉल्यूशन नोट करना चाहो नोट कर सकते हो हाँ जी एनी प्रॉब्लम एक और देखिए इलस्ट्रेशन एक और क्वेश्चन देखता हूँ फिर हम मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और स्टार्ट करा दे व्हाट यू मीन बाय होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है उसको भी समझ लीजिएगा होमोजेनियस बता दूं या लीनियर बता दूं पहले लीनियर बता दूंगा लीनियर छोटा है ठीक है जल्दी खत्म हो जाएगा तो किसी भी ऑर्डर में मैं करा सकता हूँ ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है देखिएगा आगे स्क्रॉल करो इसको नोट कर लिया है वंश कह रहा कि मेरे को आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है सर मैं दूसरे वाले बैच में आऊंगा जो कल आफ्टरनून वाला होता है उसमें प्रोजेक्टर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वंस क्लास इज रिकॉर्डेड इट इज रिकॉर्डेड ऐसा टर्न बाय टर्न मैं करूँगा कि जैसे इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो गया तो फिर इसमें मार्कर वाले से आ जाएंगे फिर एक बैच में कि सबको ये सो दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली लाइकली इवेंट होने चाहिए ना अदरवाइज तो क्या होगा कहेंगे बायस्डनेस हो जाएगा ये नवी है नेक्स्ट प्रॉब्लम ये भी देख लीजिए भी वैसे MW630 में जरूरत तो पढ़नी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें रिकॉर्डेड क्लास भी चला दो तो वो भी चल सकती है पर लेकिन यार वो फिर मजे वाली बात नहीं है नवी है 10th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज सी इट ई रेज टू पावर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस वन माइनस ई की पावर एक्स सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई कहता है कि सोल्व दिस आपका सबसे पहला काम क्या है कि कोशिश करिए वेरिएबल सेपरेट देखिए जरा ध्यान से मैं क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा ई की पावर एक्स टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वन माइनस ई की पावर एक्स सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई ठीक है जी एनी प्रॉब्लम कैन आई री राइट दिस एज ई की पावर एक्स एंड नहीं सुनिए जरा ध्यान से मैं बल्कि चलो वन माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स एंड माइनस सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई टेन वाई एनी प्रॉब्लम
वेरिएबल सेपरेट हो गए या नहीं हो गए. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वो बता सकता है कैसे करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस ई की पावर x को आप ले लीजिए z, और इधर tan y को ले लीजिए u. ले लिया, यहाँ जाएगा माइनस ई की पावर x dx इज इक्वल टू डी जेड, और यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू डी यू. नाउ वी कैन राइट दिस एज माइनस डी जेड बाय जेड माइनस डी यू बाई यू. माइनस से माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये log z इज इक्वल टू log u प्लस क्या ले लू log c. बताया था मैंने, ये आपके पास आ गया log z इज इक्वल टू log uc. uc ब्राउजर सुना है ना, और इधर से आया देख लो कितना जाएगा, z इज इक्वल टू uc. z किसके बराबर था भाई, और u किसके बराबर था बेटे, क्या था, tan y. आई होप सबको समझ में आया होगा सॉल्यूशन. नोट कर लीजिए, आपके सामने पूरा सॉल्यूशन है. अब हम इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, तो अब जरा आप समझिएगा. पहले आप ये नोट कर लीजिए, आई एम जस्ट कमिंग. इसके हाँ तो मुझे पता है यार, वी कैन डू इट. मैंने जानबूझ के किया नहीं, आई वुड हैव, मैं यहाँ माइनस था इसको अंदर घुसाई तो ई की पावर एक्स माइनस वन आ जाता. तो क्या कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, मैंने तो दिखा दिया वो जो तो बेसिक चीजें कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अब ऐसा भी हो सकता है कि पीछे से तुम बात कर रहे हो, सारी सुन लूं आराम से. ओके चलो कोई नहीं. नाउ वी हैव नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. मैं होमोजेनियस से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके 9.5 है. सुन लीजिएगा जरा क्या है, आराम से नहीं है, थोड़ा सा थ्योरेटिकली मुझे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बाकी तो मैंने ऐसे बुरे से कर ही देता हूँ, टाइम पास कर लेता हूँ. ठीक है, देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा ये बहुत ध्यान से समझना है, और इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चन करने में, लंबे क्वेश्चन होते हैं, कई बार 6 नंबर का क्वेश्चन इसका आ जाता है. मुश्किल नहीं, पहली बात मुश्किल नहीं, लेंथी जरूर लेकिन मुश्किल नहीं. ठीक है, नाउ ये स्टार्ट करने से पहले होमोजीनियस वर्ड का मतलब समझिए क्या है. यहाँ आप सबसे पहले आप समझेंगे होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है. पहले आप बोर्ड पे सिर्फ ध्यान रखेंगे, नोट करने के लिए मैं बहुत सफिशियंट टाइम दूंगा. और एक सबसे बड़ी बात, अब आपको ये भी खतरा नहीं होगा कि इरेज हो जाएगा फिर क्या होगा, सब कुछ स्क्रीन पे मैं दोबारा रिपीट कीजिए, आपके पेजेस आ जाएंगे, आप याद रखिएगा. ठीक है यार, सुनो होमोजीनियस फंक्शन का मतलब, हम यहाँ दो वेरिएबल के होमोजीनियस फंक्शन की बात करेंगे. ऐसे लिख दिया मैंने, दो वेरिएबल का फंक्शन. मैं यहाँ कुछ एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ और जरा उनको अच्छे से नोटिस करिएगा बेटा. पहला एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये मेरा पहला एक्सप्रेशन है. दूसरा एक्सप्रेशन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स. मुझे एक बात बताइए, पहले एक्सप्रेशन में एक्स की जगह जीरो और वाई की, मतलब जीरो कॉमा जीरो डाल के देखे, क्या राइट हैंड साइड पूरी जीरो आ रही है, दूसरे में भी आ रहा है. पहली चीज, होमोजीनियस एक्सप्रेशन हमेशा ओरिजिन को सेटिस्फाई करते हैं, नंबर वन. नंबर टू, यहां पर कितने वेरिएबल का होमोजीनियस फंक्शन है बेटे, दो वेरिएबल का होमोजीनियस फंक्शन है.
तो मुझे एक बात बताइए यहां अच्छे से आप कि भाई यहां पर x की कितनी पावर आई है, ये कितनी है? यहां पर अगर पहली टर्म की डिग्री देखी जाए तो कितनी है ये, दूसरी टर्म की डिग्री? अब डिग्री का मतलब, टर्म की डिग्री का मतलब है वेरिएबल की पावर्स का सम करके डिग्री आएगी। x की कितनी पावर है यहां, y की कितनी है, इन दोनों की पावर्स का सम कितना आया? तो अगर आप नोटिस करें हर एक एक्सप्रेशन की या हर एक टर्म की डिग्री कितनी कितनी है, 2 2। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक जैसा, यानी कि हर एक टर्म की डिग्री कितनी है, बराबर बराबर दिख रही है सबकी डिग्री कितनी कितनी आई, बात समझ में आई? अगले एक्सप्रेशन में देखो क्या यही सिमिलरिटी मिल रही है आपको, कितनी है इसकी डिग्री, इसकी इसकी भी 3। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को तो हम कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, नीचे वाले को होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। चलो ये मैं इतना बता दिया, इतना सब कुछ एनसीईआरटी में नहीं, कहां से कहानी स्टार्ट होती है वो जरा ध्यान से देखिएगा। लेट मी एक्सप्लेन इट। देखिए मैं पहला एक्सप्रेशन ही लिख रहा हूं, पहले दोबारा मैंने लिखा अभी आपके सामने कि एफ एक्स कोमा वाई बेटे क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक काम करिए, इस एक्सप्रेशन में एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है उसको कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, और उसमें यहां क्या बचेगा? क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं, सम, नोटिस कर लीजिएगा ये बात, ये एक्सप्रेशन क्या है, वाई अपॉन एक्स का फंक्शन नहीं बन गया क्या? यहां पे वाई अपॉन एक्स एक वेरिएबल मान सकते, बन गया फंक्शन। ये बात कितने लोगों को समझ में आई है, कैन इट इज, दिस ब्रैकेट इज द फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, नहीं समझ में आई बात? अरे बहुत सिंपल सी बात है भाई, लोगो तुम लोग क्या मतलब, तुम लोग मवाली मूवी देखते नहीं हो ना भाई, देखनी चाहिए तुम्हें, मिथुन की मूवी देखी तुम लोगों ने क्या, तुम अच्छी मूवी देखते नहीं। इधर देखिएगा, ये एक्सप्रेशन है, मैंने इसको लिख दिया जी ऑफ वाई बाई एक्स, भाईगिरी करते देखिए जरा, वाई बाई एक्स को अल्फा मान लो, क्या मान लें, सब्सिट्यूट करो, क्या बन गया, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। अब आपको क्या देखा, किसका फंक्शन है, अल्फा का। यार वाई अपॉन एक्स एक कंप्लीट वेरिएबल की तरह ट्रीट करी, अब दिख रहा है तो ठीक है, मतलब तुम अच्छी खासी मेहनत करवा देते हो मेरी, ठीक है। तो अब लेकिन जरूरी है, किसने बताया कि जी x की हाईएस्ट पावर ही कॉमन लेंगे, y की हाईएस्ट पावर भी तो ले सकते हैं, ले लो, चलो लो यार ये सारा डिस्कशन करना, y की हाईएस्ट पावर कॉमन लो, कितना आएगा, देखो ये भी इससे भी रुका नहीं जा रहा, कितना बड़ा हो रहा, जूम होके बार बार उधर ही आ रहा, ठीक है। देखिए f ऑफ x कॉमा y, भाई ये था एक्स स्क्वायर y square plus xy, लो y की highest power common, ले लिया y square, क्या बचेगा, फिर क्या बचा, अब ये bracket किसका function बन गई, x by y, क्या कोई दिक्कत, ऐसे भी मैं खेल रहा हूं तुम लोगों के साथ, देखते जाओ। अब मेरे दिमाग में एक और ना simultaneously बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, फिर देखिएगा, मैं अभी conclude करने के moment में नहीं आया, अभी सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि ऐसा सा दिख रहा है आपको और आपको फील हो रहा है कि ऐसा सा हो रहा है ना। देखिए देखिएगा बेटा, मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा था, मैं फिर लिख रहा हूं इसी एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन में x को tx से रिप्लेस करो और y को py से, कर दे रिप्लेस, मेरे कहने पर करके देख लो एक बार यार, कितना आया, आया पूरे में से कॉमन क्या है, ये क्या बन गया,
मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, ऊपर आते हैं थोड़ा सा, अब खेलते हैं फिर लो। ये एक्सप्रेशन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना बताया था मैंने, बताया था सबके बराबर बराबर आ रही थी डिग्री, यही कहा था। फिर मैंने x की हाईएस्ट पावर कॉमन ली थी, x की कितनी पावर कॉमन आई थी, तो मैंने क्या कहा जी ये डिग्री 2 का है। y की हाईएस्ट पावर कितनी कॉमन आई, तो मैंने इसको भी कह दिया जी डिग्री 2 का है। सेम एक्सप्रेशन ही चल रहा है। p की कितनी पावर बाहर आई पूरी। अब लेट अस कंक्लूड, नाउ आई एम डिफाइनिंग व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनियस फंक्शन। डेफिनेशन ये कहती है f x comma y is said to be a homogeneous function if following conditions are true. जैसे f of x comma y अरे क्या ये भी भैया सांबर वड़ा बन गया है। y by x ठीक है, इसको कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। डिग्री n या ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है f of tx comma ty t की पावर n f of x comma y। ये सारे के सारे क्या है इक्विवेलेंट डेफिनेशन है। और कितनी डिग्री है, क्या ये तीनों चीजें मैंने अभी सिखाई अभी आप लोगों को, क्या यही चीजें मैंने अभी, अगर आप नोटिस करें कि बिगिनिंग से अगर मैं कहूं यही चीजें हमने आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस। यही किया था, देखिए डिग्री टू डिग्री टू, फिर लास्ट में मैंने जाके यहां डेफिनेशन दी और कंक्लूड कर दिया। लेकिन अभी तक मैंने ये डिफाइन नहीं किया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, सिर्फ फंक्शन पे बात करिए क्या, यही बातें हमने सीखी है तीन बातें, जो कोई भी एक बात आपको समझ में आ गई इनमें से, यानी कि x की पावर n एज अ फंक्शन ऑफ y by x लिख सकते हो, या y की पावर n फंक्शन ऑफ x by y, या tx comma ty ऐसे, इतनी बात क्लियर है। ओके, अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या, लेट अस डिस्कस। ये पहले नोट करना चाहते हो ये सारी बातें, देखो जरा नोट करना चाहते तो पहले नोट कर लीजिए। ये यहां से लेकिन बगैर एसी के तो तुम लोग मर जाओगे गर्मी में। कौन नहीं आया भगवान, लेकिन भगवान तो इस बैच में आता ही नहीं। ऋषभ तूने पहली क्लास अटेंड करी थी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो समझ में कैसे आ रहा तेरे को, पहली क्लास का वीडियो बैकअप भी ले सकता है, उसमें ग्रुप में पढ़ा हुआ है।
पढ़ लेना, उसको लेके एक बार सुन लेना। थोड़ा और स्क्रॉल कर दूं, क्या एक स्विंग पे है ये? अगर आपको ठंड लगती है ना तो आप एक काम करिएगा भैया, नेक्स्ट क्लास से प्लीज, क्योंकि आप स्वेटर पहन के आना शुरू कर दीजिए, क्योंकि तुम लोग पीछे बैठे हो, मैं बिल्कुल लास्ट में बैठा हूँ, मुझे कितनी गर्मी लगती थी सोच के देखिए। और स्क्रॉल करो इसको, क्या हो गया क्या? देखिए जरा आप आगे कितना नोट कर लिया आप लोगों ने, हैं? हाँ अभी डेफिनेशन पे भी नहीं आएगा भाई लोग। अभी तो एक बहुत लंबा सा क्वेश्चन भी सोल्व करना मुझे, अभी तो उसका मैंने टाइप ही नहीं बताया कैसे करेंगे आप ये। देखिए ये भी अब मैंने होमोजेनियस फंक्शन बताया है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजेनियस फंक्शंस को कंटेन करेगी, सही बात है ना भाई? तभी तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, यानी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजेनियस फंक्शंस को कंटेन करती हो। तो लेट अस कंसीडर व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड हाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई, ठीक है? लेट अस अंडरस्टैंड इट। नोट कर लिया या नहीं? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो भैया कर लो मैं आगे इसको, क्या होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? देखिए ए डिफरेंशियल इक्वेशन पहले टाइप वन देख लीजिए, इस टाइप से आएगी, एक्स की पावर एन सम फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, इसको मैं टाइप वन बोल रहा हूं। तरीका क्या होगा इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का? सबसे पहला स्टेप, लेट y by x is equal to v, क्या मान लोगे इसको? मान लिया, दिस विल इंप्लाय यू आर गोइंग टू राइट दिस एज y is equal to vx, फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx, vx में क्या लगा दोगे? प्रोडक्ट रूल, क्या लगा दोगे? v plus x dv by dx। Now using two in one, using two in one, तो
अब अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन वन क्या बन जाएगी, v, ये स्टेप नंबर टू होगा आपका, v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स एक्स की पावर n इंटू एफ ऑफ v. प्लीज नोट डाउन दैट आफ्टर दिस स्टेप दिस विल बिकम वेरिएबल सेपरेबल, देन यूज क्या यूज करोगे यहां पर, वेरिएबल सेपरेबल. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि dv के साथ किसका फंक्शन लेके जाओगे, v, और dx के साथ x का फंक्शन. ये था टाइप वन का डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस. दूसरा टाइप क्या है वो भी देख लीजिए, अगर एक साथ में नोट करा देता हूं. टाइप टू, dx by dy, y की पावर n, सम फंक्शन ऑफ x by y. ये है आपका टाइप टू, इसको मैंने फिर वन मान लिया. हम इसमें क्या करेंगे, पहला स्टेप x by y को v मान लेंगे, तो x किसके बराबर आ जाएगा, vy आ गया. अब यहां पे क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y कर दें और क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट. तो dx by dy कितना आ गया, v plus y into dv by dy. फिर क्या करोगे यहां पर, यूजिंग टू इन वन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v plus y dv by dy is equal to y की पावर n f of v. अगेन At this step, what it will become? Variable separable. Then you will use variable. Variable separable. फिर क्या use कर लोगे यहां पर, variable separable. ये एक बार नोट कर लीजिए, ये जो मैंने टाइप वन और टाइप टू लिखवाया है. अब इस पे मैं इलस्ट्रेशन दूंगा कि कैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है, उसके स्टेप्स विजिबल है. अबे ये फॉर्मेट दोनों विजिबल है ना, ये नोट कर लीजिए दोनों फॉर्मेट्स. अजी जितना मैंने मैं करा रहा हूं बेटे, इसके बेसिस पे आप दो एक्सरसाइज कर पाएंगे पूरी पूरी, फोर्थ एंड फिफ्थ बेटे. थर्ड तो मैंने याद में लास्ट में करवाऊंगा, मेरे को आती नहीं ना. हाँ जी, नोटेड या नहीं? देखो जी, कुछ इलस्ट्रेशन देंगे भी आपको कि सो दैट आपको जितना ही फंडा बताया है आपको समझ में आए.
क्या इसके लैपटॉप के स्क्रीन पे भी टेम्पर चढ़ता गया? मेरे पास है, मेरे से ले लो। ठीक है चलो अब देखिए क्वेश्चन। आई होप नोट कर लिया है, फोटो खींच लो अच्छा आएगा, कलर फोटो आएगा। ठीक है, ठंड तो नहीं लग रही होगी आई होप, पर लग रही होगी तो अब कुछ कर नहीं सकता। क्या ज्यादा ठंड लग रही है? वैसे तुम ना जस्ट इसके पीछे बैठो प्रोजेक्टर के, तो बिल्कुल हीट और वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। जैसे वो बैठा है, शब्द नहीं लग रही ना तेरे को? देखिएगा, लेट अस अंडरस्टैंड वन एग्जांपल। जैसे ऐसे आएगा बच्चा ना, यहाँ पे बच्चे की कई अच्छी अच्छी क्वेरी होती है। ये सॉल्व ऐसे लिखाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब बच्चा कहता है सर पेपर में तो नहीं ये लिख के आएगा सॉल्व, तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि जी वेरिएबल सेपरेबल है होमोजीनियस? यार एक काम करो, कैन यू सेपरेट द वेरिएबल, पहली बात कैन यू सेपरेट द वेरिएबल? नो। तो सबसे पहले बच्चा हमेशा उसका देखिए ऑर्डर ऐसे प्रायोरिटी से स्टार्ट होना चाहिए कि हम कोशिश करते हैं कि वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे। तो फिर एक बात आपने देखा एक्स की पावर कितनी है 2, एक्स वाई की डिग्री कितनी है 2, दिख रहा है उधर देखिए डिग्री बराबर बराबर साफ साफ दिख गया होमोजीनियस का है। अच्छा यहाँ पर बच्चा फिर दूसरा सवाल फिर पूछ लेता मेरे से, सर आपने तो दो फॉर्मेट बताए डी वाई बाई डी एक्स और एक डी एक्स बाई डी वाई, किस में करें? दोनों में से किसी में कर लो, दो सही दोनों आंसर सही। समझ में आ गई बात? अगर वो यहां नोटिस करने वाली बात, अगर वो लिख देता एक्स नॉन जीरो है तो डी वाई डी एक्स उसने कुछ भी मेंशन नहीं करके एक्स और वाई, तो दोनों फॉर्मेट क्या होंगे? ठीक हो, समझ में आ गई बात? तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया डी वाई बाई डी एक्स। मैं इस पूरे को प्रॉपर पूरे स्टेप्स के साथ लिखूंगा, देखिए ठीक है। यहां पर जो एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड पर, इस राइट हैंड साइड पर जो एक्सप्रेशन, इसको हम मान लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई, ले लिया फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। सबसे पहले आपका स्टेप होगा इसको वेरीफाई करेंगे और आपसे पूछ भी लेते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है, कितनी डिग्री है इसकी, ठीक है। तो सब स्टेप नंबर वन आपने लिखा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, लिख दिया। तरीका क्या है? यहां पर भी आप चाहो तो ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो हाईएस्ट पावर और नीचे, या एक्स को टी एक्स से रिप्लेस करो और वाई को टी वाई करो रिप्लेस। कैन वी टॉक लेटर ऑन एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, यह आएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एक्स वाई। तो ऊपर नीचे से टी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो टी की पावर जीरो इंटू, क्या ये ऐसे नहीं बनेगा? टी की कितनी पावर बाहर आई कॉमन, तो इसको लिखेंगे इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो, इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन अब सोल्व करने का तरीका देख लीजिए, ये तो पहला स्टेप मैंने बता दिया एलिमेंट्री। दूसरा स्टेप, जब आपने ये लिखा डी वाई बाई डी एक्स, दो तरीके, एक तो ऊपर से x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, ले लिया, ना भी लो तभी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये कट गया। जब dy by dx के लिए सोल्व करते हैं तो y by x को क्या मानते हैं? v, क्या मान लेते हैं y by x को?
लेट y by x is equal to v, मान लिया, तो this will imply y किसके बराबर आ गया, vx के. फिर हम क्या करते थे, तो dy by dx किसके बराबर निकल आता था, v plus x dv by dx. इस रिलेशन को 1 और इसको 2, जरा 1 और 2 को correlate करो, डाल दे वैल्यू, यूजिंग 2 इन 1 करते थे, क्या जाता है, v plus x dv by dx is equal to 1 plus v square upon 1 plus v. और इस step के बाद मैंने क्या कहा था, what we have to use, variable separable, let us use it, x dv by dx 1 plus v square 1 plus v, और v को इधर ले गया मैं, LCM ले ले, कितना आ जाएगा, 1 plus v square minus क्या लिखूं, v minus v square upon 1 plus v, कुछ कटा क्या, कट गया. अब variable separate करूंगा तो क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, it is a crucial step, 1 plus v upon 1 minus v dv is equal to dx by x, और फिर क्या करेंगे, integrating both side. अब एक बात और, left hand side को कैसे integrate करें, को बता सकता है, numerator और denominator की degree बराबर आने पर क्या करते थे, divide, rationalize का कोई फंडा नहीं था भाई, ना degree बराबर आने पर partial fraction होते ही नहीं थे, denominator की degree ज्यादा होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर हम इसको divide करते, याद है ऐसे, 1 plus v को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 1 minus v, कितने पे जाएगा, minus 1 पे, तो जी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया, फिर फॉर्मूला क्या होता था याद है, ऐसे लिखते थे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर और बात नीचे उसका डिनोमिनेटर, तो कोशेंट कितना है, minus 1, रिमाइंडर कितना है, plus 2 upon 1 minus v, और ये पूरा dv, और इसका इंटीग्रेशन dx by x, जरा आगे बढ़िए, minus 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा v के रिस्पेक्ट में, minus v plus 2, इसको क्या लिख देंगे, log 1 minus v log x, लेकिन v का कोफिशिएंट कितना है यहां पर, तो बाहर माइनस आएगा, तो बाहर माइनस आएगा, तो हमारे पास यहां पर, मैं इस प्लस को बदल के सीधा सीधा बाहर क्या लिख दूं, माइनस लिख दिया, प्लस सी. अच्छा एक बात, तो वी किसके बराबर था बेटे, ये वी सिंबल किसने इंट्रोड्यूस किया, हमने किया है, तो माइनस वाई बाय एक्स माइनस टू लॉग वन माइनस वाई बाय एक्स लॉग एक्स प्लस सी. आई होप सबको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, एक एक करके स्टेप लिखना स्टार्ट करिए, मैं पूरा पहले यहां तक नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं. आई होप इतना रखें, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ट्राई करके देख लेना, नहीं होगी तो नेक्स्ट क्लास में. आई होप थ्योरी तो सारा पार्ट क्लियर हो गया होगा तुम्हारा.